तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यार आज के इस वीडियो में मैं ऐसा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, आप सोची ना होगी। क्या सोची ना होगी, छोड़ो। तो क्या मतलब अभी जो सब्सक्राइबर वॉच टाइम बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया, मतलब वॉच टाइम तो मिल ही नहीं पाता है। सब्सक्राइबर आप कैसे मैसेज दुख तकलीफ करके कर लोगे, लेकिन वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हो पाता है एक साल में, तो इसे कम्प्लीट कैसे करेंगे। तो ये सभी लोगों के दिमाग में ये आता है कि ऐप से कम्प्लीट करवा लें, सब्सक्राइबर भी ऐप से मिल जाते हैं, वॉच टाइम भी ऐप से मिल जाते हैं, तो क्यों ना इसी से करवा लें। तो ये क्या सच में सही तरीका है सब्सक्राइबर वॉच टाइम बढ़ाने का, डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहना लास्ट तक, और अगर आप यार चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ोन का घंटा बजाए, क्योंकि पूरा फ्री है यार। सब्सक्राइब कर दो, फ्री में आपको जानकारी मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड क्या होता है कि आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद फिर उस पर कॉइन लगते हैं, कॉइन आप देते हो, दोगे फिर सब्सक्राइबर मिलेंगे, वॉच टाइम मिलेगा, आपको जो भी चीज़ लेना है आप ले सकते हो। तो इस पर डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलता है कि हाँ वॉच टाइम मिल जाएगा आपको। आप किसी वीडियो को वहाँ पर पोस्ट कैंपिंग रन करोगे, उसके बाद फिर वहाँ क्या बोला जाएगा उसके उसे कितना मिनट तक आप इस आपको इसे एवरेज चलाना है, कितना मिनट तक, 2-3 मिनट 4 मिनट, और जैसे ही आप एवरेज इसका बढ़ाते जाओगे आपका कॉइन का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जितना आपको वॉच टाइम लेना हो बढ़ते जाता है कॉइन का। तो आप कॉइन लगाओगे आपको सब्सक्राइबर वॉच टाइम दोनों मिल जाएगा। अब इस क्या सच में सही है, तो डिटेल से बताता हूँ। तो जब आप सब्सक्राइब करवाते हो, सब्सक्राइब करवाओगे तो उस पर क्या होता है, सब्सक्राइब तो हो जाएगा, आपके YouTube स्टूडियो पर काउंट भी हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत इस पर आता है। क्या होता है कि जब कोई बंदा YouTube के जब YouTube पर कोई बंदा आपको सब्सक्राइब करता है, YouTube पर घुसेगा, आपकी वीडियो रिकमेंड में आता है, देखेगा, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करेगा, तो जब सब्सक्राइब करेगा तो उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करने का ऑप्शन आता है, मतलब उसे क्लिक करोगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, मतलब जो भी आप वीडियो डालोगे उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप ऑल पर सेलेक्ट किए, मतलब वो बंदा ऑल पर सेलेक्ट किया तो आपका नोटिफिकेशन जाएगा उसके पास। तो इस तरीके से, और जब ऐप से आप करोगे क्या करोगे, सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाओगे या फिर वॉच टाइम इंक्रीज करवाओगे, तो उस पर ऑल का ऑप्शन आएगा ही नहीं, मतलब बेल बजाने का ऑप्शन आता ही नहीं है, जिससे आपका जो चैनल का वीडियो का इम्प्रेशन बच जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अब इम्प्रेशन क्या है, तो भाई जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो, समझ लो कि आपके चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं है अभी, तो आप फर्स्ट वीडियो अपलोड करोगे तो कम से कम 15 से 20 लोगों के पास YouTube आपके ना वीडियो का इम्प्रेशन भेजेगा, मतलब होम पेज पर उसे दिखाएगा, और अगर किसी बंदे को वो अच्छा लगता है तो क्लिक करेगा, और जैसे वो क्लिक करते हैं वो इम्प्रेशन रेट बढ़ते जाता है, मतलब जब 20 लोगों को भेजा तो 30 को भेजेगा, 40 को भेजेगा, और इसी तरीके से वीडियो का ग्रोथ होता है। तो अगर वो बंदे क्लिक करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो भाई वीडियो वहीं पर दब जाता है, तो इम्प्रेशन बच जाता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता। और रही बात वॉच टाइम का, तो वॉच टाइम आप बढ़वा सकते हो, कोई झंझट नहीं है, लेकिन YouTube कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं, इसलिए जेन्युइन लेना चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर जेन्युइन लो, वॉच टाइम जेन्युइन लो। तो भाई आज के बस इतने, आशा करता हूँ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइबर बढ़ाने से इंप्रेशन जाता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता, और वॉच टाइम ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन YouTube कब क्या कर दे पता नहीं। तो भाई चलिए आज के बस इतने, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, सीखने को मिले तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और क्योंकि ये पूरा फ्री है तो बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना, इस पर कोई सिक्का उक्का नहीं लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजा टॉप 7 तक के लिए, जय हिंद एंड गॉड।